Hello students, today we will learn about chapter 3, that is when villagers saw the heaven. In this chapter what we will learn, how a Bhilu used his intelligent act to make other villagers food. He do different foolish act and make the villagers food. So let's start the chapter. Once upon a time there lived a fool in a village. एक बार की बात है कि गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था. His name was Bhilu. उसका नाम क्या था? Bhilu used to do some foolish act every now and then. Bhilu हमेशा कुछ ना कुछ मूर्खतापूर्वक काम करता था. And as a result suffer. और उसके बाद वो परेशान होता था. Occasionally he would break his leg or hurt himself on account of his foolish deed. कभी-कभी अक्सर वो अपने पैर में चोट लगा लेता था. कुछ ना कुछ अपने आप को हर्ट करता था और इस तरह के काम को करता था. One day Bhilu pierced needles in both of his eyes. एक दिन Bhilu ने अपनी दोनों आंखों में सुई से छेद कर लिया. As a result he became blind and was unable to see around anything around. फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया और उसको अपने आसपास का कुछ भी अब नहीं दिखता था. वो बिल्कुल भी देख नहीं पाता था. Soon he realized that he had once again performed a foolish act. फिर उसको तुरंत ही पता चला कि उसने कितना बड़ा foolish act किया है. He was now afraid of people would laugh at him. अब उसको डर लगने लगा कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे. He started thinking, what shall I tell other people? Very soon he got an idea. फिर वो सोचा कि जब लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं ब्लाइंड कैसे हुआ, मैं अंधा कैसे हुआ, मैं क्या बताऊंगा. तभी उसके आइडिया आया. नेक्स्ट मॉर्निंग अनेबल टू सी एनीथिंग ही वॉज पासिंग थ्रू द लेन होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड. फिर दूसरे दिन सुबह वो अपने लेन कहीं पास कर रहा था एक स्टिक लेके. सडनली ही वॉज सराउंडेड बाई लॉट ऑफ द गुड्स. तभी अचानक से ढेर सारे लोग आके उसको घेर लेते हैं. Bhilu, what happened? सब उससे पूछते हैं कि Bhilu क्या हुआ, what happened? Everyone was questioning him. सब उससे पूछते भाई क्या हुआ तुम्हें. An old man asked him, Bhilu, have you become blind? एक बूढ़ा आदमी उससे पूछता है क्या Bhilu तुम ब्लाइंड हो गए हो. Why are you moving with a stick in your hand? क्यों तुम स्टिक से का सहारा लेके चल रहे हो. Bhilu, who was ready to answer the question, replied. Bhilu ने आइडिया सोचा था कि उसको तो क्या रिप्लाई करना अगर कोई पूछेगा. Oh, you see, I pierced needle in my eyes. उसने बताया सबसे कि मैंने अपनी आंखों में छेद कर लिया है. It is that not that I have become blind. इसलिए नहीं कि मैं अंधा हो जाऊं. Now I can see the heaven. अब मैं स्वर्ग देख सकता हूं. Heaven means स्वर्ग. अब मुझको स्वर्ग दिखाई देता है. The heaven. Now how is that possible? Ask some from the town. Heaven, स्वर्ग. उस भीड़ में से एक आदमी पूछता है स्वर्ग दिखने लगा तुम्हें. Bhilu replied, yes, I can see the heaven now. उसने कहा हाँ मुझे अब स्वर्ग दिखाई देता है. Piercing needles through my eyes has given me that power. मतलब दोनों आंखों को फोड़ने की वजह से मुझे ये पावर मिला है कि मैं स्वर्ग देख सकता हूँ. People did not believe Bhilu. लेकिन लोगों ने Bhilu का विश्वास नहीं किया. But every day Bhilu kept repeating the same word in order to avoid people laughing at him. पर Bhilu ये बात हमेशा रिपीट करता रहा कि उसको हेवन दिखता है, बट लोग उसका बिलीव नहीं करते थे, उसको अवॉइड करके चले जाते थे और उस पर हंसते थे. After a days, a villager named Gangu became thinking, maybe Bhilu is speaking the truth. फिर कुछ दिन बाद एक गांव में एक लड़का था, उसका नाम था गंगू. उसको लगा कि हो सकता है Bhilu सच बोल रहा हो. If he can also see the heaven, it will be wonderful. उसको लगा मैं भी स्वर्ग देख सकता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा. So he too pierced needle through his eyes and became blind. और उसने भी अपने आंखों में सुई डाल के छेद कर लिया और ब्लाइंड हो गया. Unable to see the heaven and other thing as well, the poor Gangu was terribly soft. उसको भी कुछ नहीं देख रहा था और वो बहुत ही soft हो गया. He immediately went to Bhilu and asked him. वो तुरंत Bhilu के पास गया और उससे पूछा. Hey, you told me that if I pierce needle through my eyes, I will able to see the heaven. उसने कहा तुमने बोला था कि अगर मैं भी अपने आंखों में छेद कर लूँगा सुई से तो मुझे भी heaven दिखाई देगा. But now I can't see anything around me. But अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है. What does all this mean? सबका क्या मतलब है? Bhilu replied smiling. Bhilu हंसते हुए उसको जवाब देता है. My dear friend, you have become blind now. बोलता है कि मेरे फ्रेंड अब तो ब्लाइंड हो गए हो. You will not be able to see anything. और तुमको अब कुछ भी दिखाई नहीं देगा. But do not tell this to other people. But ये बात आप किसी और को मत बताइएगा. If you do so, they will laugh at you. अगर आपने ऐसा किसी को बताया तो वो लोग आपके ऊपर हंसेंगे.
गंगू बिकेम सैड ऑन हियरिंग दिस. उसको सुनने के बाद गंगू बहुत ही दुखी हुआ. आफ्टर अ वाइल गंगू स्पोक विद अ हैवी हार्ट, वीलू यू लैंड. और बहुत ही हैवी हार्ट से उसने उसको कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला. यू हैव चीटेड ऑन मी, तुमने मेरे से धोखा किया. व्हाट शैल आई डू नाउ, का अब मैं क्या करूँ. वीलू रिप्लाइड, नाउ यू कैन बिकम ब्लाइंड सो यू शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ बिकॉज पीपल विल लाफ एट यू. उसने कहा अब तुम भी अंधे हो गए हो और लोगों से सच मत बताना वरना लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे. सो द ओनली अल्टरनेटिव लेफ्ट दैट यू टू कैन सी द हेवन नाउ. अब यही एक रास्ता बचा कि तुम भी लोगों से ये कहो कि तुमको भी हेवन दिखता है, तुमको भी स्वर दिखाई देता है. द पुअर विलेजर इन ऑर्डर टू अवॉइड बिकमिंग अदर्स लाफिंग स्टफ बिगेन टू टेल द अदर विलेजर्स दैट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर हिम टू हैव पियर्स नीडल थ्रू हिज आईज. बेचारा उसको लगा कि दूसरों का मजाक बनने से अच्छा है मैं यही बोलूँ कि मुझे भी हेवन दिखाई देता है. एंड ही टू कुड सी द हेवन नाउ. अब उसको भी यही बोलना पड़ता है कि उसको हेवन दिखाई देता है. गंगू कंटिन्यू, वीलू इज अ ग्रेट स्कॉलर. उसने कहा कि वीलू एक बहुत ही इंटेलिजेंट है. ऑन लिसनिंग टू हिम द विलेजर्स वर सरप्राइज, की बात सुन के विलेजर्स सरप्राइज हो गए थे. नाउ एवरी वन स्टार्टेड बिलीविंग वीलू एंड गंगू. अब कुछ क्या हुआ कि अब सब लोग गंगू और वीलू पे विश्वास करने लगे. सून अदर्स फॉलोड द सेम एंड ऑल द विलेजर्स बिकेम ब्लाइंड. धीरे धीरे सब उनको फॉलो करने लगे और सब ब्लाइंड हो गए. एंड kept saying that they too could see the heaven so that other villagers would not laugh at their foolish act. और अंधे होने के बाद सबने वही चीज़ बोला कि मुझे हेवन दिखाई दे ताकि वो दूसरों के हंसी के पात्र ना बन सके. तो what was the moral of this story is we should not believe in the foolish act of other. हम लोग को कभी भी किसी के foolish act पे विश्वास नहीं करना चाहिए. कोई अगर गलत काम करा उसको देख के हम उसे फॉलो नहीं करना चाहिए. तो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि वी शुड नॉट बिलीव ऑन foolish act of other. थैंक यू.